देखो इसको ना, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसे तुम एक क्वेश्चन से कंपेयर करके रट्टा भी मार सकते हो। रट्टा मारने का मतलब हुआ कि अगर मान लो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ऑप्शन वाइज रहता है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओगे? हाँ, तो अब ये बोल रहे थे हम कि कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आता रहता है, मैंने तीन चार नंबर का, तो उसको बनाने लग जाओगे तो समय लगेगा। एक थ्योरी हम लोग पढ़े थे, याद होगा, एग्जाम्पल नंबर 18 जो है उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एम टाइम्स द एमथ टर्म, क्या था, एम टाइम्स द एमथ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, अगर ये बराबर है तो हम जो एम प्लस एनथ टर्म निकालते हैं ना, एम प्लस एनथ टर्म वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ये हमें प्रूफ करना था, याद है कुछ, एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, तो एम और एन को पकड़ लो, जोड़ दो, तो एम प्लस एनथ टर्म जीरो प्रूफ किए हुए थे। वही क्वेश्चन है, देखो, टेन टाइम्स द टेनथ टर्म, बस एम के जगह पे टेन टेन बोला है, और इज इक्वल टू क्या, 15 टाइम्स द 15 टर्म, तो 15 और ये 15 मैच कर गया। हमसे पूछा क्या 25, तो 25 को हम महसूस किए कि 15th टर्म और 15 टर्म और कौन कहाँ गया है, सॉरी, 10th टर्म है ना यहाँ पे, 10th टर्म और 15 टर्म जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, एम प्लस एन जोड़ेंगे तो 25 आएगा यहाँ पे, 15 10 25, वही ना पूछ रहा है तुमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो ये उस समय शो करने के लिए नहीं देगा, बोलेगा कि फाइंड द 25th टर्म, तो तुम्हें जीरो लाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गई, बताओ, बात समझे? तो यहां पे यही जरूरी था कि कभी भी तुमको क्वेश्चन में बोले कि एम टाइम्स ऑफ एन एम टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन टर्म, और पूछे कि एम प्लस एनथ टर्म क्या होगा, तो जीरो होगा। अब इसको बनाना आसान है, कैसे बनाना आसान है, मान लेते हैं सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 10th टर्म का कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, और 15th टर्म का है ना, 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, यही ना दिया है, तो ये 10 हो गया और इसको हम T10 लिखते हैं, और ये 15 हो गया, और ये किसको क्या लिखते हैं, T15 लिखते हैं। अब T10 क्या आएगा बताओ, ए प्लस 9D, और ये कितना आएगा, ए प्लस 14D। अब चलो गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10A 19D, और ये कितना हो जाएगा, 15A प्लस 210D। गुना किए हो तो ये हो गया। अब तुम क्या करो ना कि ए का वैल्यू निकाल लो इन द टर्म्स ऑफ डी, तो क्या करते हैं ना कि 10A को उधर भेज देते हैं, तो 10A को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, 5A हो जाएगा ना, बोलो, 210D को इधर भेज देते हैं तो कितना होगा, तो ये घटेगा ना, 220 होगा कि 120 होगा ना, 120 होगा, क्या बात कर रहे हो, 120 होगा कि 110 होगा, चलो सही है, चेक सही बोल रहे हो। अब 5 को इधर भेज दो तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी, ए का -120D आर डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना के 10 और 2 0 बचा 5 के 20, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, -24D, है ना, हो गया ना। बस इसको बचा के रखना है, और हमको जो पूछा है वो निकाल देना है। तो हमसे क्या पूछा था, क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया था,
कि इसका 25th टर्म जो है वो जीरो होगा। तो नाउ फाइंड करते हैं 25th टर्म, तो वे क्या होगा, a प्लस 24d होगा। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, अब प्लस 24d, जीरो आया, तो ये हो गया प्रूफ। तो इसे आप एक नंबर दो नंबर के लिए रट्टा भी मार लो तो बढ़िया है ना। प्रिंट कर लीजिए सर।